नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सपोर्ट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले कई दिन और बहुत कई दिन मतलब बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं लाया था। मेरे चैनल पे एक ही वीडियो था क्योंकि मैंने काम करना छोड़ दिया था और फिर से मैंने लगभग काम करना स्टार्ट कर दिया रिपेयरिंग टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है? तो देखते रहिए दोस्तों। आज जो बोर्ड आया है वो गीगाबाइट का एक बोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है A61 MDS2 4.0 वर्शन का है। दोस्तों, इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि बोर्ड रीसेट हो रहा है, बार बार रीसेट हो रहा है बोर्ड। जिसने मुझे बोर्ड दिया, मेरे एक शॉप से, मेरे एक मतलब एक रिटेल की शॉप से मेरे पास ये बोर्ड आया है, तो उसने बोला कि बोर्ड में रीसेट का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को मैं पहले दिखाऊंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करूँगा, ठीक है? तो ये कार्ड है, एक डिबग कार्ड जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इसे मैं अपने स्लॉट पर इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम इसे पावर ऑन करेंगे, चेक करेंगे भाई इसका दिक्कत क्या है, ठीक है? तो उससे पहले सीपीयू फैन भी यहाँ पे लगा दिया जाए, क्योंकि अगर सीपीयू हीट हो रहा है अगर तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है ओवर हीट होने से। तो सीपीयू फैन को भी यहाँ पे इंसर्ट हम कर लेंगे, उसके बाद हम SMPS से पावर ऑन करेंगे और इसे स्विचिंग करेंगे, ठीक है? स्विचिंग कर दिया, बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, प्री बकेट 00 कोडिंग गाइस आ रहा है और बोर्ड ऑफ। गाइस फिर से 00 कोडिंग आ रहा है, बोर्ड चलते चलते बोर्ड ऑफ हो रहा है। मतलब इस बोर्ड का जो दिक्कत है वो है बोर्ड का रीसेटिंग दिक्कत, मतलब जिसको कहते हैं भाई बोर्ड का रीसेट प्रॉब्लम। बोर्ड रीसेट हो रहा है बार बार। मैंने डिस्प्ले भी लगा रखा है, आप चाहे तो चेक करिए, डिस्प्ले में भी कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मतलब मैंने मॉनिटर भी कनेक्ट करके रखा है लेकिन कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है बोर्ड पे। सिर्फ बोर्ड 00 कोडिंग करके एरर है और बोर्ड रीसेट हो रहा है। इस बोर्ड का यही दिक्कत है। तो इस पे कुछ कार्रवाई करने के पहले पहले बोर्ड को ऑफ करना है। ऑफ करना है, मैंने ऑफ कर दिया, डिबग कार्ड को भी निकाल लिया और सीपीयू फैन को भी निकाल लिया। दोस्तों, इस पर कुछ कार्रवाई करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। सीपीयू के लिए आता है या फिर रैम, जो सीपीयू खराब है रैम के लिए भी आ सकता है। रैम खराब हुआ तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर बायोस बायोस में सप्लाई नहीं जा रहा है, या फिर कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है आयो के साथ या चिपसेट के साथ, तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो रैम है ये मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये रैम बिल्कुल सही है। और ये जो सीपीयू है ये भी गाइस मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इन दोनों के लिए नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम। तो सीपीयू को मैं इंसर्ट कर देता हूँ और बोर्ड को पावर देके हम चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत क्यों हो, ऐसा दिक्कत मतलब रीसेट का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और इसका कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है और कौन कौन सा वोल्टेज इसका नहीं बन रहा है, यही हम चेक करेंगे इसको ऑन बोर्ड में, ठीक है? लेकिन दोस्तों, इसे ऑन बोर्ड चेक करने से पहले हम ज़रा ये चेक कर लेते हैं बोर्ड में कोई शॉर्टिंग है या नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पहले हम इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि भाई शॉर्टिंग कोई है भी नहीं। इसीलिए मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पे रखा और दोनों प्रॉफ से मैं चेक कर लूँ। पहले जो विगोर सेक्शन है, हाँ कंटिन्यू आ रहा है, विगोर सेक्शन है 12 वोल्ट प्लस माइनस का, तो वह चेक करेंगे नहीं, या फिर वे कोई शॉर्टिंग नहीं आए, या पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम चेक करेंगे 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कोई शॉर्टिंग है बोर्ड पे या नहीं।
नहीं 3 वोल्ट 5 वोल्ट का भी शायद कोई भी शॉर्टिंग बोर्ड पे नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम शॉर्ट होने से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है जब कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो मल्टीमीटर को मैंने DC20 पे रखा और SMPS का अभी पावर कनेक्ट करेंगे और ऑन बोर्ड में चेक करेंगे इसका कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है और इसका कौन कौन सा वोल्टेज नहीं बन रहा है। मल्टीमीटर को कैमरे की तरफ अच्छे से सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। हाँ आप सही है। एक प्रॉप को मैंने मल्टीमीटर का जो एक प्रॉप मैंने ग्राउंड कर दिया ब्लैक प्रॉप को, और रेड वायर से हम बारी बारी से चेक करेंगे ठीक है। इससे पहले मैं बोर्ड को SMPS ऑन करके बोर्ड को ज़रा स्विचिंग कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है SMPS भी आ गया। अब स्विचिंग करता हूँ। स्विचिंग कर दिया। CPU फैन नहीं लगाया CPU फैन की, क्योंकि उसके ऊपर ही मैंने मल्टीमीटर को रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रैम का वोल्टेज 1.40, क्योंकि वो रिसेट बंद हो गया, फिर से ऑन होगा 1.4। मतलब रैम का जो सप्लाई है ये बराबर आ रहा है। उसके बाद चिपसेट का कुछ सप्लाई चेक करेंगे। हाँ यहाँ पर भी चिपसेट के ऊपर जो मॉस्फेट लगा हुआ है उसके लगा है वहाँ पर भी सप्लाई हमारा देखते हैं हाँ बराबर आ रहा है। मतलब ये सब यहाँ पर भी कोई हमारा दिक्कत नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो बायोस है वहाँ पे सही तरीके से सप्लाई आ रहा है कि नहीं। बायोस के 8 नंबर पिन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पिन पे सप्लाई चेक करेंगे कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। हाँ दोस्तों यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ रहा है, तो हमारा बायोस का सप्लाई भी सही है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा VTT और VCore क्या बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ सप्लाई हम चेक करेंगे यह सप्लाई है कि नहीं। कुछ सप्लाई तो दिखा रहा है, यहाँ पर तो कुछ सप्लाई है, यहाँ पर भी कुछ सप्लाई है। तो सबसे अच्छा होगा कि हम बोर्ड के नीचे से चेक करें। यहाँ पर देखते हैं। नहीं दोस्तों यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है बहुत देर, और यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं है। मतलब हमारा ना ही VTT जनरेट हो रहा है सही तरीके से और ना ही हमारा VCore बन रहा है ठीक है। इसीलिए हमारा बोर्ड रिसेट हो रहा है बार बार। VTT और VCore नहीं बनेगा तो बोर्ड तो जाहिर सी बात है बोर्ड रिसेट ही करेगा। तो हमारा जो 61 का मदरबोर्ड है तो इसका एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता है रिसेट का प्रॉब्लम, और इसका कॉमन सा सॉल्यूशन ही लगभग है इस मदरबोर्ड में एक IC लगा होता है LM324। इस IC से वोल्टेज रेगुलेट होके CPU में पहुंचता है। ये जो VTT और VCore है वही से ही जनरेट होता है। रेगुलेट जनरेट मतलब रेगुलेट होता है वोल्टेज कहाँ पे जाएगा कहाँ पे जाना है उस IC में ही, उस IC से ही रेगुलेट होता है। और ये जो दिक्कत है उसी IC की तरफ से ही आता है। आपको शायद यहाँ से सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है IC। मैं बोर्ड को खड़ा करता हूँ, अब देखिए दोस्तों ये रहा वो IC, यही है वो LM324 नाम का IC जहाँ से ये सप्लाई रेगुलेट होता है और यहाँ रेगुलेट होके VCore और VCore सेक्शन मतलब CPU तक पहुँचता है ठीक है। तो इस IC को दोस्तों काम करने के लिए एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है, जिसके लिए एक काम करते हैं जो इसे 10 नंबर पिन पे मिलता है ठीक है। तो दोस्तों हम चेक करेंगे उस 10 नंबर पिन पे कि हमारा सप्लाई है भी नहीं। तो मैंने SMPS को ऑन किया और एक प्रॉप को उस 10 नंबर पिन पे रखा और एक को ग्राउंड, और अब बोर्ड को हम स्विचिंग करके देखेंगे कि कुछ फर्क हो रहा है कि पावर
ये जो दिखा रहा है 8.088, इसे कम से ज़्यादा या ज़्यादा मतलब कम होके यहाँ आना या फिर ज़्यादा होके यहाँ आना, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये देखो जब भी मैंने बोर्ड को स्विचिंग किया और वोल्टेज 0.0, अब बोर्ड बंद हो गया तो वोल्टेज दिखा रहा है, फिर से बोर्ड ऑन हुआ और वोल्टेज 0.0 और बोर्ड ऑफ होते ही उस वोल्टेज जा पा रहे मतलब वोल्टेज सही हो रहा है, तो मैंने बोर्ड को ऑफ कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो काम है उस LM324IC के सप्लाई को सही करना है, ठीक है। उस सप्लाई जब तक नहीं सही होगा तब तक हम दूसरे स्टेप नहीं जाएंगे, तो इसीलिए कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर को रख दिया और चेक करेंगे कि उसका 10 नंबर पिन के साथ कौन सा मॉस्फेट कनेक्टेड है, क्योंकि वो सप्लाई मॉस्फेट से ही आता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बोर्ड के इस साइड कुछ मॉस्फेट है, AOIC उसका इस साइड कुछ मॉस्फेट है, और यहाँ पे शायद ऊपर के साइड भी कुछ मॉस्फेट लगा होता है मतलब लगा है। हम चेक करेंगे उसके मतलब 10 नंबर पिन के साथ कौन सा वाला कनेक्टेड है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के। तो चलो एक प्रोब को मैंने 10 नंबर पिन पे लगा रखा और एक एक करके चेक करेंगे, यहाँ पर भी नहीं, हाँ अभी पा रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ऊपर का साइड चेक करता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं है। हाँ दोस्तों यार इस मॉस्फेट के साथ कंटिन्यूटी मतलब बीप साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा वाला, ये वाला, ये जो लास्ट वाला, ठीक है, इस लास्ट वाले के साथ ये 10 नंबर पे कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब ये 10 नंबर पे जो सप्लाई जा रहा है 10 नंबर के साथ, ये 10 नंबर पे जा रहा है इस वाले मॉस्फेट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मॉस्फेट है उसे हम उखाड़ देंगे, मतलब उखाड़ने का मतलब है बोर्ड से निकाल देंगे, ठीक है। बोर्ड से निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो मैंने ब्लोअर को हीट दिया और ट्वीजर को हाथ में लिया, इसे हम निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। ये निकलने के बाद ही देखना है भाई इसका क्या हो रहा है कुछ आगे, पहले तो इसे वोल्टेज तो कंस्टेंट कर ले, उसके बाद देखते हैं निकलने, उसके बाद चेक करें। लो दोस्तों निकल गया, ये वो कल्पेट, ये वो मॉस्फेट जो भी बोलो, अब आपको दिखाता हूँ, ये रहा, अब गौर से देखिए ये रहा जो 10 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड था जहाँ से सप्लाई जा रहा है, यही है, इसे साइड में रखते हैं, इसके बाद साइड में रख दे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि 10 नंबर पे सप्लाई सही हुआ कि नहीं। डिबगर को इंसर्ट किया और उसके बाद मैंने एक प्रॉप को नेगेटिव मतलब ग्राउंड किया, मल्टीमीटर को DC20 पर रखा और एक प्रॉप को मैंने कर देता हूँ LM324 का 10 नंबर पिन पे, SMPS को भी ऑन किया और यहाँ पे देखिए 0.89 वोल्टेज है। अब चेक करेंगे भाई वोल्टेज पहले की तरह हो रहा है कि नहीं, अब बोर्ड को मैंने स्विचिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्विचिंग किया और डिबग कार्ड पे कोडिंग भी आ चुका है, बोर्ड
देख सकते हैं 5.3, ये जो इरो रहा है 5.3 करके सीपीयू भी हीट हो रहा है, बोर्ड बंद हो गया और रिसेट हो रहा है। दोस्तों पहले वाला जो रिसेट था उस पर कोडिंग नहीं आ रहा था, इस ये जो मतलब रिसेट है इसमें कोडिंग आ रहा है। मतलब अब देख सकते हैं 5.3 करके कोडिंग आ रहा है। ये जो कोडिंग है दोस्तों ये रैम का कोडिंग है, क्योंकि और ये रिसेट का प्रॉब्लम भी रैम के लिए हो रहा है, क्योंकि ये रैम मैंने नहीं लगा के रखा है। आप यहाँ पे देखिए कोडिंग आ रहा है और रैम यहाँ पे लिखा है, आप नहीं देख सकते, वहाँ पे रैम मांग रहा है सर्किट जो मेरे मतलब मदरबोर्ड हमारा रैम मांग रहा है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और रैम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ जो सीपीयू फैन है इसको भी मैं इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि ओवरहीट होने से सीपीयू हमारा खराब भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं पावर ऑन करके चेक करूंगा। तो सबको इंसर्ट कर दिया सब कुछ, अब स्विचिंग करूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। SMP से पावर ऑन किया, अब बोर्ड को स्विचिंग कर रहा हूँ, नहीं हुआ अभी होगा। हाँ बोर्ड पे कोडिंग आया है दोस्तों, हमारा कोड चेंज हो रहा है। हाँ ऑफ हुआ, रिसेट हुआ। ऐसे रिसेट में घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ऐसे होता है कि रिसेट होके ऑन होता है। ठीक है, तो कोड हमारा चेंज हो रहा है बराबर से, और लगभग हमारा AB करके AB का एक कोड आया और हमारा कोड रुक गया है। दोस्तों मुझे लगता है डिस्प्ले आ चुका है, आप डिस्प्ले की तरफ देखिए। हाँ दोस्तों हमारा सक्सेसफुली हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है बराबर से, बिल्कुल फ्रेश तरीके से हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो क्या करें, बोर्ड को एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे रिसेट करने की। रिसेट करके हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या दिक्कत हो रहा है, कि हमारा कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर ऐसा सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा जो सर्किट है वो सही तरह का बिल्कुल सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसे फिर से एक बार रीसेट करके हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो रीसेट करते हैं। कर दिया, तो फिर से कोड चेंज हो गया, फिर से AB करके कोड पे आ गया और डिस्प्ले भी आ गया। अब डिस्प्ले की तरफ देखिए दोस्तों, बिल्कुल डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, फिर से और एक बार हम रीसेट करेंगे, आप डिस्प्ले की तरफ देखते रहिए। बोर्ड को फिर से रीसेट कर दिया और देखते हैं डिस्प्ले क्या होता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा डिस्प्ले आ चुका है। मतलब हमारा जो ये बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, जो सर्किट मतलब तो मदर बोर्ड है गीगाबाइट के 61DS2 का 4.0, वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। लेकिन अभी मैं इस पे कुछ सेटअप करने वाला हूँ, इसे मैं डायरेक्टली कस्टमर के हाथ में अभी नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ सेटअप भी बाकी है। जो बायोस का बैटरी है, सीमोस का बैटरी है, तो अभी तक नहीं लगा है, मैं उसमें बैटरी लगाऊंगा। उसके बाद बायोस को मैंने फुल सेटअप करूंगा, उसके बाद हम फिर से इसे चेक करेंगे। लगभग 30 मिनट या घंटे के तरफ हम चेक करेंगे, बोर्ड को स्टार्ट करेंगे, फिर से ऑफ करेंगे। हम बिल्कुल पूरी तरीके से हम जब चेक करके सेटिस्फाई हो जाए ये बोर्ड सही है, तब हम जाके कस्टमर को दे देंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज तक इतना ही, और क्या।